ट्रियों ट्रैक या करेरी लेक ट्रैक? दिमाग में ये सवाल तो खुद ब खुद आता है जब आपको ये पता चलता है कि दोनों ट्रैक्स का स्टार्ट धर्मशाला से ही होता है और ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पर है और कॉस्ट भी दोनों की सेम ही है। विच वन इज बेटर? कीपिंग द परमिट कंडीशन इन माइंड, करेरी लेक हैज टू बी योर फर्स्ट चॉइस। करेरी के लिए आपको त्रियुण की तरह परमिट लेने की जरूरत नहीं है और जहां त्रियुण में आप नाइट में टेंट लगाकर नहीं रुक सकते, आपको हमेशा या तो आगे स्नो लाइन कैफे या फिर त्रियुण टॉप से 2 किलोमीटर पहले विलेज माना में रुकना पड़ता है। वहीं करेरी लेक ट्रैक के दौरान आपको मौका मिलता है लेक पर रुककर लेक साइड कैंपिंग करने का। करेरी लेक ट्रैक हैज मोर फैसिलिटीज एंड सर्विसेज अवेलेबल इन कंपैरिजन विद त्रियुण ट्रैक, सो इस बार के लिए फॉरगेट त्रियुण, थिंक करेरी लेक ट्रैक। करेरी लेक ट्रैक किसी भी उम्र और जेंडर के लोगों के लायक है। ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 डिफिकल्टी लेवल सिर्फ 6 है। हमने फैमिलीज को, छोटे बच्चों के साथ, मैरिड कपल्स और बूढ़े लोगों को भी इस ट्रैक पर आते जाते देखा है। तो अगर आप एक शांत प्राकृतिक नजारों से भरा, जलधारा के समानांतर चलने वाला, हरे भरे पेड़ों से घिरा आसान सा ट्रैक करना चाहते हैं, तो ये ट्रैक आपके लिए है जहां आप अपने दोस्तों, परिवार, माता पिता और भाई बहन के साथ किसी भी वीकेंड पर जा सकते हैं। फ्राइडे नाइट में स्टार्ट करिए, सैटरडे को ट्रैक एंजॉय करिए और लेक साइड कैंपिंग सनसेट देखिए, बॉनफायर का मजा लीजिए, साथ में एक छाता, एक जोड़ी सैंडल, कम से कम एक जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़े, हल्का फुल्का खाने का सामान ले जाना काफी रहेगा। दोस्तों, हम तो आपको लाइट ट्रेवल करने की ही सलाह देंगे क्योंकि भारी बैग और सामान के साथ ये 13 किलोमीटर का लंबा ट्रैक आपकी अच्छी खासी परीक्षा ले सकता है। रास्ते में हर 2-3 किलोमीटर के बाद आपको कोई ना कोई कैफे मिल जाता है जहां आपको मैगी से लेकर राजमा और दाल चावल तक, चाय कॉफी से लेकर कोल्ड ड्रिंक तक, इंक्लूडिंग ऑमलेट, सभी खाने का सामान मिल जाएगा। पर हाँ, आपको रेट थोड़ा महंगा लग सकता है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर ये रेट्स बिल्कुल जस्टिफाइड हैं। रास्ते में आपको ठहरने की सुविधा भी मिल जाएगी जिसमें टेंट, स्लीपिंग बैग और मैट्रेस शामिल है। करेरी लेक ट्रैक एक ऑल सीजन ट्रैक है, यहाँ आप साल के हर महीने कभी भी किसी भी मौसम में जा सकते हैं। हर मौसम की अपनी अलग ही छटा देखने को मिलेगी, जहां बरसात के मौसम में ये ट्रैक बादलों के बीच से होकर जाता हुआ मालूम पड़ता है, वहीं सर्दियों के मौसम में आपको अपने ट्रैक पर बहुत सारी बर्फ भी देखने को मिलेगी। गर्मियों के मौसम के तो कहने ही क्या, हर तरफ हरियाली और मन मोह लेने वाला सुहाना मौसम आपके ट्रैकिंग के मजे को कई गुना बढ़ा देगा। अब आप जानना चाहेंगे कि ये खूबसूरत सी करेरी लेक का ट्रैक है कहाँ, तो हम आपको बता दें कि करेरी लेक साउथ धौलाधार रेंजेस की पहाड़ियों में कम गहरी और साफ सुथरी पानी की लेक है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 2,934 मीटर है। धौलाधार रेंजेस से पिघलने वाली बर्फ इसके पानी का मेन सोर्स है। जैसा कि मैंने कहा कि पहाड़ से पिघलने वाली बर्फ के पानी से ये लेक बनती है, तो इसका पानी इतना साफ है कि आप इसके तल को आसानी से देख सकते हैं। ये लेक 1.25 किलोमीटर लंबी और लगभग 500 मीटर चौड़ी है। इसके किनारे पर भगवान शिव और मां सती का मंदिर भी है। हम आपको सुझाव देंगे कि आप पैकेज की बुकिंग एडवांस में करके जाएं, जिसमें आपका रहना, खाना और गाइड इंक्लूड है। बुकिंग के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको नंबर प्रोवाइड करवा देंगे। करेरी लेक धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से करीब करीब 26 किलोमीटर की दूरी पर है। धर्मशाला के लिए आपको दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब के सभी मेन सिटीज से आसानी से बस मिल जाएगी। हमारी सलाह है कि आप रात को ट्रैवल करें ताकि सुबह सुबह करीब 7 बजे धर्मशाला पहुंच जाएं। आप चाहें तो करेरी विलेज तक का ट्रैवल लोकल बस में कर सकते हैं, ये बस घेरा विलेज तक ही जाती है। बस की टाइमिंग्स हैं सुबह 8:30, दोपहर 1:15, 3:15 और शाम को 6:15। यहाँ तक का टिकट है सिर्फ ₹50।
हेरा से करेरी विलेज तक आपको 50 रुपए में शेयर्ड टैक्सीज भी मिल जाएंगी। अगर शेयर टैक्सी ना मिले तो 500 रुपए में आप स्पेशल टैक्सी बुक करके भी जा सकते हैं और इस तरह से करीब करीब 2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे करेरी विलेज। बस की टाइमिंग्स फिक्स्ड हैं और ये थोड़ा सा हैक्टिक और इनकन्वीनियंट भी होता है। अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो हम आपको सलाह देंगे कि आप टैक्सी लेकर जाएं तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा और सेफ भी। चंडीगढ़ से धर्मशाला की कुल दूरी 244 किलोमीटर है। अगर आप अपनी कार या बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं तो रोपड़ से ऊना, ऊना से कांगड़ा होते हुए 5 से 6 घंटे में चंडीगढ़ से धर्मशाला आप पहुंच जाते हैं। मैं अपने दोस्त के साथ उसकी बाइक पर इतने ही टाइम में करेरी विलेज पहुंच गया था। रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है और सफ़र आरामदायक भी। हाँ, इससे बेटर है कि आप करेरी लेक ट्रैक का पैकेज लेकर ही जाएं, क्योंकि वो आपको धर्मशाला से पिक करेंगे और करेरी विलेज तक आपको अपनी गाड़ी में लेकर जाएंगे और वापसी में करेरी विलेज से पिक करके वापस धर्मशाला बस स्टैंड पर आपको बस में बिठा भी देंगे। पैकेज का प्राइस है सिर्फ 2,999 धर्मशाला टू धर्मशाला, जिसमें पिक एंड ड्रॉप, गाइड, स्टे, फ्री मील्स भी शामिल है। और अगर आप हमारी तरह खुद की कार या बाइक लेकर करेरी विलेज तक पहुंच जाते हैं तो गाइड, स्टे, मील्स का पैकेज आप हमारी तरह 1500 रुपये में ले सकते हैं। करेरी लेक का ट्रैक कुल 13 किलोमीटर का है, जो कि करेरी विलेज से नौली पुल तक 3 किलोमीटर और नौली पुल से लेकर लेक तक 10 किलोमीटर है। करेरी विलेज से नौली पुल तक का जो 3 किलोमीटर का रास्ता है उसे आप ड्राइव करके भी जा सकते हैं और हमारी तरह पैदल चल के भी। लेकिन करेरी विलेज से नौली पुल के बीच की इस सड़क का शुरू का कुछ हिस्सा खस्ता हाल है। अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं तभी नौली पुल तक ड्राइव करके जाने की सोचिएगा। इस तरह से आप ट्रैक के 13 किलोमीटर में से 3 किलोमीटर पैदल चलने से बच जाएंगे। अब बस आपको 10 किलोमीटर ही चलना होगा। कैसे बारिश ने नौली पुल पर हमारा स्वागत किया, कितना डिफिकल्ट ये ट्रैक है, कैसे पहुंचे हम करेरी लेक तक, देखिए करेरी लेक सीरीज के अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा।